कैवल्य धाम वाराणसी के डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी कोरोना महामारी में लगातार बच्चों का मनोरंजन व भूखों का पेट भरते आ रहे हैं। जी हाँ, कैवल्य धाम कॉलोनी दुर्गा कुंड वाराणसी स्थित मजदूर वर्ग के लोग, जो कि छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार प्रदेश के मजदूर वर्ग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, वह बच्चों को इस वैश्विक महामारी कोरोना में मनोरंजन के साधन व पेट भरने का काम महीनों से लगातार डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी करते आ रहे हैं। डॉक्टर त्रिपाठी को वहां के बच्चे डॉक्टर सैम के नाम से पुकारते हैं। बच्चों के बीच डॉक्टर त्रिपाठी संकट में जहां उनके लिए मनोरंजन के साधन है, वहीं दूसरी ओर भूखों व गरीब के लिए पेट भरने का भी काम करते हैं। नियमित मजदूरी करते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बिना कार्य के बैठे काम न होने के कारण भूखमरी की कगार पर हैं। डीएम वाराणसी नगर आयुक्त के सहयोग से प्रतिदिन 60 से 100 लोगों को भोजन का वितरण करते हैं। त्रिपाठी जी ने बताया कि हम सब सहयोग से जनता जनार्दन की सेवा नवरात्रि के प्रथम दिन से कर रहे हैं। भारत देश संकट में है, वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करना हम लोगों का कर्तव्य है। इस व्यवस्था की शुरुआत गौरव तिवारी के सहयोग से शुरू की गई थी। डीएम वाराणसी की तरफ से व्यवस्था है बेटा, मेरे घर की नहीं है, डीएम वाराणसी, ये आप लोगों के लिए व्यवस्था है। ऐसे कमजोर तबके के बच्चे इनका भी ज्यादा है। हमारे डीएम वाराणसी के तरफ से है, गरीब घर के उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप रोजानदारी पर काम करते हैं, इस परिस्थिति में जब उनको कोई काम नहीं मिल रहा, उनके बच्चे भूखे हैं, यह डीएम साहब, कमिश्नर साहब, गौरांग राठी साहब, अपर आयुक्त और हमारे रोटरी क्लब के डॉक्टर अस्थाना और डॉक्टर सोनकर और मैं, ये हम लोगों की टीम है जो मिल करके नवरात्र के प्रथम दिन से हम लोग इन बच्चों को खाना, इनके माँ बाप के लिए जो पैकेट है, और हफ्ते में एक दिन राशन का वितरण की व्यवस्था करते हैं कि गरीब बच्चों के लोग जिनको काम नहीं मिल रहा है वह कुछ करते रहें और किसी तरह से उनकी व्यवस्था चलती रहे। कितने लोगों को अभी तक कितने पैकेट पर डे 60 से 100 लोगों की व्यवस्था हमारे डीएम वाराणसी के द्वारा मेरे यहाँ भेजी जाती है।